जिसमें बाबा ने विशेष बच्चों के देही अभिमानी बनने को और देही अभिमानी बनने के लिए देही अभिमानी सोल कॉन्शियसनेस, तो उसके लिए पुरुषार्थ कौन सा ज्यादा होगा? जितना चलते फिरते, एक्चुअली योग में तो हमारा सोल कॉन्शियसनेस होता ही है, जो डिफेक्ट होता है वो चलते फिरते में डिफेक्ट हो रहा है ना, तो चलते फिरते जितनी हमारी फीलिंग होगी आत्मिक अभ्यास, तो वो डिसाइड करेगा हमारी सोल कॉन्शियसनेस। और चलते फिरते का जो आत्मिक अभ्यास है वो कर्मों में फीलिंग से प्रोपोर्शनेट है। जितनी अगर मुझे जितनी फीलिंग में आ जाते हैं, फीलिंग्स पे ही तो सारा खेल है ना पूरा। कभी अपमान फील करते हैं, कभी एप्रिसिएशन फील करते हैं, कभी अच्छा नहीं फील करते, एक्सपेक्टेशन रहती है, क्रोध। तो अगर मेरी चलते फिरते ये देही अभिमानी स्थिति है, फीलिंग से परे, देही अभिमानी स्थिति मतलब ये सब फीलिंग से परे, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कहें कि मैं बहुत, मुझे आत्मिक अभ्यास बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ हम फीलिंग्स में फेल हो जाते हैं, तो ये है देही अभिमानी स्थिति। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 17:6 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप दादा की श्रीमत के डायरेक्शन पर चल देही अभिमानी बनना है। चित्र को देखते हुए विचित्र बाप को याद करना है। चित्र को देखते हुए विचित्र बाप को याद करना है। अच्छा प्रश्न है, किस एक बलिहारी के कारण तुम बच्चे लकी स्टार्स गाए हुए हो? एक हमने बहुत बड़ा बलि त्याग किया है जिसके कारण लकी स्टार्स, पवित्रता की बलिहारी के कारण तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो, इसलिए तुम लकी स्टार्स हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म है, तुम बहुत उच्च सेवाधारी हो। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंच है क्योंकि वह बाप की बनी है। श्री कृष्ण तो प्रारब्ध भोगते हैं, संगम युग ऊंच है, तो संगम युग में जिसका जिसका पार्ट है, संगम युग महान कैसे है? केवल बाबा आते इसलिए महान नहीं है, लेकिन बाबा के साथ जो जो भगवान डायरेक्ट आए उसके साथ पार्ट प्ले कर रहे हैं, नहीं उसके कारण महान है। जैसे दुनिया में मानते श्री कृष्ण के समय जो जो आए वो सब धन्य हो गए ना, तो इस समय इसलिए संगम युग महान है। तो इसलिए अगर संगम युग महान है तो सतयुग उतना इक्विवेलेंट होगा कि नहीं? तो श्री कृष्ण की आत्मा प्रारब्ध भोगती है, डाउनफॉल शुरू हो जाता है, यहाँ अप ट्रेंड है, इसलिए महान है। अच्छा गीत है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, याद करेगी दुनिया। ओम शांति। बाप कहे बच्चों के प्रति, बाप भी निराकार बच्चे भी निराकार है, परंतु ये जो साकारी चोला लिया है इनसे पाठ बजाना है। ऐसे पाठ बजाने वाले बच्चों से बाप कहे, अब देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मनिश्चय करो। ऐसा न कहो अहम आत्मा सो परमात्मा, यही तो
तुम बाप या यही तो तुम बाप को 84 जन्मों के चक्र में ढकेल देते हो। एम आत्मा सो परमात्मा, आज है ना सर्वव्यापी का होमवर्क। तो इस कारण फिर देखो एक और पॉइंट मिल गया, 84 जन्म। अहम आत्मा सो परमात्मा, तो मैं आत्मा ने जितने जन्म लिए उतने परमात्मा के भी हो गए। अपने को बाप समझ 84 जन्मों के चक्र में डाल दिया, यह कहने से तुम रसातल में चले गए, डिग्रेड कर दिया ना उसको। मैं अहम आत्मा सो परमात्मा, बेड़ा डूबना शुरू हुआ। अब तुमको श्रीमत मिलती है, बच्चे जानते हैं दो मत गाई हुई है, एक है श्रीमत, यही भगवान की श्रीमत अर्थात बेहद बाप की मत है। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, वह तो रॉन्ग है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, बाप होते हैं तीन, एक ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा आत्माओं का बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको परमपिता नहीं कहेंगे, तो ब्रह्मा को कौन सा पिता कहते हैं? प्रजापिता नहीं है, प्रजापिता। अच्छा एक तो ये भी वर्ड है, अलौकिक पिता, और तीसरा है नहीं, ब्रह्मा के नाम एस ऑफ फादर, प्रजापिता, अलौकिक पिता और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। अच्छा और दादा, ओके। और पिता के तरह कनेक्शन का नाम मात पिता मात पिता तो है ही, पिता कौन सा? एक और नाम बोलो बोलो, मेधावन। बोलो बोलो। हाँ आदि देव, वो तो ब्रह्मा का नाम है, पिता की तरह से यज्ञ पिता अलौकिक पिता प्रजापिता। तो श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। तीसरा है लौकिक बाप, बेहद का बाप कहते। बच्चे देही अभिमानी बनो। अब श्रीमत के तुमको डायरेक्शन मिलते हैं, दोनों की मत इकट्ठी चलती है। तुम महसूस करते हो, यह महावाक्य शिव बाबा समझा रहे हैं, त्रिमूर्ति शिव के बदले भूल से त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु इसका अर्थ कुछ नहीं निकलता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने से ब्रह्मा की मत गाई हुई है, शिव को उड़ा दिया है, कहते ब्रह्मा भी उतर आए। अब ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन से आकर मत देवे। अब तुमने ये समझा है प्रजापिता ब्रह्मा को व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अभी व्यक्त ब्राह्मण हो, फिर अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो, फिर तुम सूक्ष्म वतनवासी ब्राह्मण बन जाएंगे। संपूर्ण ब्रह्मा संपूर्ण सरस्वती दोनों सूक्ष्म वतन में वहां रहते हैं, विष्णु तो है ही युगल, संपूर्ण ब्रह्मा संपूर्ण सरस्वती सूक्ष्म वतन में रहते हैं। तो देखो मम्मा का भी पार्ट है ना, संपूर्ण स्वरूप में। वैसे मतलब जो जैसे कल बताया था ना, इसलिए कल का खुलासा किया था ना, वो केवल वैसा जन्म है, जन्म ही, लेकिन वो सेवा अर्थ, कोई हिसाब किताब का जन्म नहीं है इन आत्माओं का। हाँ वैसे नहीं है, विष्णु तो है ही युगल, दो भुजा लक्ष्मी दो भुजा नारायण की। अब ये मत तो नामी ग्रामी है, भगवान उवाच, ब्रह्मा को मत देने वाला है शिव, इनका नाम रखा है ब्रह्मा। ब्रह्मा है यहाँ पति दुनिया में, इनको ऊंच ऊंच नहीं कहना चाहिए। विष्णु को, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण फिर यहाँ स्वर्ग में आते हैं, देव देव महादेव कहा जाता है, तो महादेव हो गया शंकर। बच्चे तो समझते शिव है ऊंचते ऊंच बाप, फिर
सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं। मूल बात है श्रीमत पर चलना। महादेव शिव शिव बाबा है या शंकर है? देव देव महादेव, शंकर है या शिव जी है? शिव बाबा है या शंकर जी है? शंकर जी है। तो महादेव हो गया शंकर। फिर महादेव क्यों का? विनाशकारी है इसलिए महादेव। बोलो भाई, इसलिए सोचे शिव बड़ा है तो मतलब शंकर जी बड़ा है। तपस्वी स्वरूप है इसलिए महादेव है, बाकी सी बाकियों का तपस्वी स्वरूप नहीं है। कल्याण है वो तो विनाशकारी है। शंकर जी का तो शिव जी कल्याणकारी है। भोलेनाथ है इसलिए महादेव है। महादेव मतलब देवताओं में, वैसे ही देवता हाई कैटेगरी है, उसमें भी महादेव। सोचो क्यों ऐसे, जबकि विनाशकारी है, जबकि डरावना रूप है, जबकि क्रोध का रूप है, लेकिन हाँ हाँ हम नहीं, देवों में महादेव ये बताया ना, इस पर सोचना है। देवता है उनके पास जाते इसलिए महादेव है। शंकर जी के पास जाते थे कि ब्रह्मा जी के पास जाते थे? क्योंकि एक्चुअली शिव और शंकर को मिक्स किया हुआ है ना, तो शिव बाबा हाईएस्ट है, महान देवता तो नहीं है लेकिन हाईएस्ट है। तो कुछ कुछ कैरेक्टर, कुछ कुछ एप्रिसिएशन मतलब प्रेज शिव बाबा की उनके पर बताया है। तो शिव है ऊंचते ऊंच, चार्जिंग के लिए रख। शिव है ऊंचते ऊंच, इनको ऊंच नहीं, ऊंच कहना नहीं कहना चाहिए। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण फिर यहाँ स्वर्ग में आते हैं। तो महादेव हो गया शंकर। बच्चे तो समझते शिव है ऊंचते ऊंच बाप, फिर सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं। मूल बात है श्रीमत पर चलना। ब्रह्मा भी श्रीमत पर चल, इतना नामी ग्रामी बना। मुरब्बी बच्चा है ब्रह्मा, शिव बाबा भी एक है, ब्रह्मा भी एक है। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है ना, प्रजापिता विष्णु व प्रजापिता शंकर नहीं कहेंगे। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा के सामने बैठे हो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ, आत्मा निश्चय करो, निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। फिर है त्याग की बात, ज्ञान भक्ति वैराग्य कहते हैं। वैराग्य से त्याग होता है। सन्यासी पहले वैराग्य दिलाते हैं कि ये काग विष्ठा समान सुख है, इसलिए हम घर बार छोड़ते हैं। कहते भी है कि भारत सतयुग में स्वर्ग था, नरक में रहने वाले कहते हैं हम स्वर्गवासी थे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि स्वर्ग में देवी देवता ही रहते थे। प्राचीन भारत में प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी सब थी। नरकवासी मनुष्य स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की महिमा गाते हैं। आप सुख के सागर हो, शांति के सागर हो, इस बाप से ही सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। अच्छा बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे किसके साथ चल रहे हो? बीच बीच में देखो साकार में बाबा पूछ लेते थे, बच्चे किसके साथ बैडमिंटन खेल रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो, किसके साथ खा रहे हो, किसके साथ था? क्योंकि बाबा की प्रवेशता भी जब जरूरत है मतलब जब मर्जी बाबा आ जाते थे, तो उस समय जैसे बाबा याद दिलाते थे बच्चे किसके साथ हो।
बुद्धि में शिव बाबा ही याद रहे, उनसे स्वर्ग में अथाह सुख मिलेंगे। तुम कहेंगे हम शिव बाबा के साथ चल रहे हैं। कोई नया होगा तो वह कहेगा कि शिव बाबा तो निराकार है या ब्रह्मा है, तुम शिव बाबा के साथ कैसे चल रहे हो, विचित्र है ना। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं, शिव बाबा का कोई साकार रूप है नहीं, वो निराकार इनके ही शरीर में आते हैं, इनमें आकर बतलाते हैं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, अभी तुम जानते हो बरोबर, हमने 84 जन्म पूरे किए, 84 जन्म ही गाए जाते हैं। सत्युग में लक्ष्मी नारायण थे तो जरूर यही 84 का चक्र लगाते हैं, और धर्म वाले तो आते ही बाद में है, वो इतने जन्म नहीं लेते। पहले सतो प्रधान होती है, पहले आत्मा सतो प्रधान होती है, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनती है। तो यह है श्रीमत भगवान की, ब्रह्मा को भी वो मत देते हैं, परंतु मुरब्बी बच्चा होने के कारण, मुरब्बी मीनिंग समझता है दीपिका बेन, मुरब्बी अनम्यूट नहीं हो रहे। अच्छा मुरब्बी, बहुत बहुत माने मीठा प्यारा। अब आपके साउंड चली गई है। आपकी साउंड नहीं आ रही है। अच्छा मुरब्बी मतलब मीठा से भी ज्यादा मीठा। क्योंकि जब मुरब्बा बनता है तो उस फ्रूट का अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, उसको पूरा क्रश करके और क्या क्या करके बनता है हाँ ना, तो संपूर्ण समर्पण का स्वीट। हाँ तो बाबा कहते हैं ये है मुरब्बी बच्चा। ये मुरब्बी हिंदी वर्ड नहीं है, हिंदी है? मुरब्बा नहीं, मुरब्बा मुरब्बा तो हिंदी है पर ये उर्दू वर्ड है। हाँ हिंदी में हम लोग कभी यूज नहीं करते मुरब्बी फॉर स्वीटनेस, अगर अच्छी हिंदी भी लिखो तो। हाँ तो इस समय श्री कृष्ण की आत्मा तो सत्युग में थी, यह है मुरब्बी बच्चा। अब तुम प्रैक्टिकल में सम्मुख बैठे हो, परंतु मुरब्बी बच्चा होने के कारण अच्छी रीति धारण कर समझाते हैं कौन। देखो अभी आ रहे हैं, ये आगे आ गया, कभी वह भी आकर समझाते हैं, कहते बच्चे देई अभिमानी भव। शिव बाबा भी कहते, ब्रह्मा भी कहते देई अभिमानी भव। अब तुम प्रैक्टिकल में सम्मुख बैठे हो, वह है विचित्र, तुम हो चित्र वाले, सबको कहते हो हे भाई हे आत्माएं बाप को याद करो, आत्माओं से बात करते हैं, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ये ब्रह्मा के तन द्वारा बाप कहते, मुझ बाप को याद करने से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, इन भूतों के वश नहीं होना है। पहला नंबर है अशुद्ध अहंकार, बॉडी कॉन्शियस छोड़ दो, सोल कॉन्शियस बनो। भाई भाई हो तो जरूर बाप भी होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई तो जरूर बाप भी होगा। ब्रदर सिस्टर्स का बाप हो गया, ब्रदर सिस्टर्स का बाप हो गया ब्रह्मा बाबा, और ओनली ब्रदर्स का बाप हो गया भाई भाई शिव बाबा, तो किसका बाप हो गया शिव बाबा, आत्माओं का बाप हो गया शिव बाबा। तो ब्रदर सिस्टर्स का बाप बोलो नए बताए वनीता बहन। हाँ क्यों, पर ब्रदर सिस्टर्स का बाप और आत्माओं का बाप अलग अलग क्यों बोला बाबा ने। ब्रदर्स ब्रदर्स बाप का निराकार। ब्रदर सिस्टर तो लौकिक में हुए ना, तो इसीलिए देहधारी हुए, और आत्मा तो निराकार है। तो ब्रदर सिस्टर्स का मतलब सारे ब्रदर सिस्टर्स तो है ही ना बाबा, ब्रदर सिस्टर्स किस कनेक्शन में कहते हैं।
प्रमोद भाई नहीं नहीं ये अरे पुराने भी ऐसे कैसे आंसर दे रहे जो हैं, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान ले रहे हैं और तो एक बाप के बच्चे तो फिर आत्मा है ना, एक बाप के बच्चे बच्चे है ना, बच्ची नहीं है, तो ब्रदर्स सिस्टर्स का बाप है ब्रह्मा। ब्रह्मा, क्योंकि मेल बॉडी और फीमेल हाँ बॉडी में वासुदेवा। हाँ ये बोलो ना, जब शिवाबा ब्रह्मा तन में आते हैं उस समय के जो एडॉप्टेड बच्चे वो है ब्रदर्स सिस्टर्स, ये नहीं कि एवरी फीमेल तनधारी सिस्टर एवरी ब्रह्मा मुख वंशावली। ज्ञान में बोला था ज्ञान में दीदी हमारी ठीक आवाज है। आप तक नहीं जा रही है, नहीं आवाज हमारी आ रही जा रही है, नहीं, आपकी हमारी आवाज आ नहीं आ रही है, रही है। तो ये इसको बीच में रखो थोड़ा पेबल को। जो ब्रह्मा मुख वंशावली है, जो ब्रह्मा मुख मुख वंशावली वंशावली, है वो वैसे भाई सारी ब्रह्मा। दुनिया पूर्वज के हिसाब से डायरेक्ट ब्रह्मा के बच्चे तो अभी होते हैं ना, तो मुख वंशावली, तो दोनों में बॉडी कॉन्शियस छोड़ दो, तो ब्रदर्स सिस्टर्स का ब्रदर्स ब्रदर्स का बाप है निराकार, ब्रदर्स सिस्टर्स का बाप हो गया ब्रह्मा। क्लियर? अभी मुख वंशावली हम कहते हैं ना भाई बहन, तो हमारा पिता कॉमन है, यह है साकार। अब हम सब असुल है निराकारी, फिर पाठ बजाने आते हैं, यह श्री श्री शिव भगवान उवाच। श्री कृष्ण की आत्मा तो सत्युग में थी, वह इस 84वें जन्म में बाप की आकर बनी है, तो श्री कृष्ण की आत्मा से भी यह अच्छी हुई ना, क्योंकि इस समय सेवा करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा तो सिर्फ प्रारब्ध भोगते हैं, वहां तो कम हो रहा है। देखो एंजॉयमेंट करते हो उस समय नाम नहीं होता है, तुम जब कोई प्रोजेक्ट करते हो उसमें सक्सेस मिलता है, कुछ ऐसा करते हो उसमें नाम होता है, भाई तुम स्विट्जरलैंड गए एंजॉय किया तो नाम थोड़ी हो। तो श्री कृष्ण की आत्मा तो प्रारब्ध भोगती है, सेवा कौन करता है? त्याग तपस्या सहन शक्ति सहन करना ये सब कौन कर रहा है ना, तो इसलिए ये है। हाँ बाबा एक्चुअल बाबा कहते हैं, इसलिए इसका इसकी महत्व बाबा इसलिए तो बता रहे हैं। हाँ वैसे तो ब्रह्मा के हाँ उस तरीके से तो बहुत सारे महिमा है, वह इस 84 बाबा के अकॉर्डिंग लॉजिकल तो ये है ना, वो आत्मा तो भी वो तो भगवान मानते हैं ना, इसलिए नाम है। तो श्री कृष्ण की आत्मा से भी अच्छी हुई ना, क्योंकि इस समय सेवा करते, ये क्या बोलते हैं पेचीले बातें है बाबा केश। ठीक है, श्री कृष्ण की आत्मा तो सिर्फ प्रहलाद भोगेगी, तो दोनों में बड़ा कौन कौन ऊंच हुआ? 84 जन्म में जो पहला जन्म वाला श्री कृष्ण है वो ऊंच है या इस समय वाला ब्रह्मा ऊंच? सारी मेहनत तो अभी की है ना भाई, सिंपल। हाँ ब्राह्मण, क्योंकि ब्रह्मा ऊंचे तो ब्राह्मण ऊंचे, देवताओं से भी ब्राह्मण ऊंचे। इसीलिए ब्रह्मा का दिन और रात गाते हैं ना, विष्णु का नहीं गाते। हाँ बहुत सारी बातें ब्रह्मा के साथ, तो ब्रह्मा का दिन और रात, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मानंद ब्रह्मा की मत ब्रह्मलोक। हाँ बहुत सारी महिमा है, चाहे मंदिर कुछ भी नहीं हो पर महिमा बहुत सारी है। अच्छा तो वास्तव में हीरे जैसा जन्म तो यह है, क्योंकि यहाँ तुमको प्राप्ति होती, वहां ऐसे नहीं कहेंगे। अब देखो आज बाबा कंपेयर कर रहे हैं, वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि प्राप्ति होती है, इस समय ही तुमको सारी प्रॉपर्टी मिलनी है, तुम बहुत उच्च सेवाधारी हो, तुम भारत को स्वर्ग पतित को पावन बनाकर फिर इस पर राज्य करने वाले हो,
तुम वो लकी स्टार्स, तब तो सब साथ माथा टेकते हैं ना, ये सारी पवित्रता की बलिहारी है। इसलिए बाप कहते काम महाशत्रु है, जिसने तुमको अपवित्र बनाया उनको जीतो। मुझ सर्वशक्तिवान के साथ जितना योग लगाएंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। एक ही तरीका है। बाबा के ज्ञान में क्यों सब पवित्र इजी हो गई? क्योंकि निराकार के साथ कनेक्शन हुआ ना, ज्योतिर्बिंदु, तो बॉडी कॉन्शियस की फीलिंग कम होती गई, बस प्योरिटी इजी हो गई। मुझ सर्वशक्तिवान के साथ जितना योग लगाएंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अजामिल जैसे पापी गाय हुए हैं, सत्युग में है ही एक पतिव्रता पावन धर्म, सदैव सुखी सुख रहता है। यहाँ तो है पतित, सन्यासी ही पहले सत्व प्रधान थे तो बहुत तीखे थे, कहाँ भी जंगलों में उनको भोजन मिलता था, शक्तिशाली थे। रामकृष्ण परमहंस जी जब देखा विवेकानंद को तो उन्होंने कहा कि ये, वो तो बहुत रिजेक्ट कर दिया ना, ये तो ये क्या ये सब ढोंग है। नहीं, जब पहली बार ये मिले बोले इनको हेलुसिनेशंस होते हैं, ये कोई ठीक नहीं है, क्योंकि वो गायत्री माता दिखती है बताते थे ये सब, तो बड़ा रिजेक्ट किया। फिर वो और वो कहते थे ये मेरा सप्तर्षियों में एक है, बोले ये सब ढोंग है कुछ नहीं। और फिर वो जो उसको साक्षात्कार हुआ, जो टर्निंग पॉइंट था उसको, तो इसलिए अमेरिका के एक लेक्चर में उन्होंने कहा दिस मैन टेम्ड मी, ये आत्म, ये व्यक्ति ने मुझे सम्मोहन कर दिया था। तो बाबा कहते सन्यासी पहले सत्व प्रधान थे तो बहुत तीखे थे, कहां भी जंगलों में उनको भोजन मिलता था, पवित्रता की ताकत थी ना, ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा शिव की ताकत थी, तुमको उनकी ताकत मिलती, सारी प्योरिटी की तो ताकत थी। अगर रामकृष्ण परमहंस में गृहस्थी होकर उन्होंने फर्स्ट डे युगल को माता कहा था, तभी तो ये पूरा प्योरिटी की पावर। तो बाबा इसलिए कहते हैं पवित्रता की ताकत थी, ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा शिव की ताकत थी, तुमको उनकी ताकत मिलती है, हमको तो उनकी ताकत मिलती है। उनको किससे मिली बोलो, उनको किससे ताकत मिली? पवित्रता की ताकत, पवित्रता, नहीं नहीं उनको पवित्रता की ताकत किससे मिली? सन्यासियों को शिव भगवान से। कल का फॉर्मूला, परसों का फॉर्मूला, शिव अगर वो कोई भी मत चलाने वाली है ऐसी आत्माएं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट वो परमधाम से आई है, इसलिए उनमें वो ताकत है। हाँ, कोई ना कोई ऐसी, क्योंकि वो एक पूरा मत स्टार्ट कर दिया ना, रामकृष्ण मिशन, एक मिशन स्टार्ट किया। ऐसी आत्माएं, मतलब इनमें वो आत्मा नहीं प्रवेश करती है जो बाकी जगह है, पर ये वो आत्माएं हैं जो बहुत डायरेक्ट, जो डायरेक्ट आती है। ये इनका पहला जन्म हो सकता है जब, क्योंकि इतना बड़ा जो फॉलोअरशिप किया, जो इतना किया वो बाबा, पहला जन्म होगा धर्म के समय। बाबा ने कहा है धर्म के समय आत्मा जरूरी है, ये मिशन है, ये सेक्ट है, कल्ट है, धर्म नहीं है। हाँ, सन्यास धर्म में है, बट ये इस तरह रामकृष्ण परमहंस है ऐसे। तो बाबा कहते हैं उनमें पवित्रता की, क्योंकि वो आत्मा पवित्रता, वो क्वालिटी आत्मा की वैसी है। वो तो अंडरस्टूड है, कोई ऊपर गया ही नहीं, वहां से रिपोर्ट आई है, न्यूज है, कोई मेरे पास नहीं पहुंचा है। हाँ, माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से,
विकारों रूपी रावण का राज्य आधा कल्प चलता है। मनुष्य समझते ही नहीं कि पतित पावन कौन है। गंगा कोई पतित पावनी समझ लिया है, परमात्मा को जानते ही नहीं है। कह देते कि परमात्मा और उनकी रचना बेअंत है, सत्यु की आयु लाखों वर्ष है। अगर ऐसा होता, अगर सत्यु की आयु लाखों वर्ष होती तो मतलब 1250 वर्ष नहीं, लाखों वर्ष सत्यु की आयु, तो क्या हो जाता? तो देवता धर्म वालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अभी तो क्रिश्चियन लोग जो बाद में आए उन्हों की संख्या ज्यादा हो गई है। ये बाप समझाते हैं, बुद्धि के लिए ये भोजन देते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब कितना काम करती है? मनुष्य की बुद्धि तो काम ही नहीं करती है। वो क्वेश्चन थोड़ी करते हैं, देवता है ऐसे क्यों बैठे हैं, देवता है आंखें क्यों खोली हुई है। हमारी बुद्धि खुलती है ना मंदिर में जाकर, अलर्ट होते हैं ना हम। उन लोग तो देखते ही नहीं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाले का ताला ही बंद है। उनका है हद का संन्यास हठ योग, तुम्हारा है बेहद का संन्यास राजयोग। तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनते। किसका बज रहा है? आपका बज रहा है। इस समय जो पतित है वह थोड़ी राज, ये राज बताएंगे। गीता सुनाते हैं, 18 अध्याय का कितना लंबा अर्थ बैठ निकालते हैं, कितनी गीताएं बनाई है। सबकी अपनी अपनी मत है। टैगोर गीता, ज्ञानेश्वरी गीता और अष्टावक्र गीता, कितने सारे गीता बताएं। और ये गोरखपुर की गीता, तो सबकी अपनी अपनी मत है। इसलिए लोग कभी कहते आप लोग भी अपनी गीता बना रहे, इतने सारे हो जाते हैं। हम तो जो भी गीता है उसका रियल मीनिंग समझाते हैं। हाँ, गीता को समझ ही नहीं सकते, श्री कृष्ण भगवान ही नहीं, फिर गीता को समझे कैसे? कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम जानते हो वह सब है भक्ति मार्ग के। 5 भूतों ने अजामिल जैसा पापी बना दिया है। नंबरवार तो होते ही है, एक जैसे तो होते ही नहीं। समझाया जाता है भगवान एक है, वो आकर राजयोग सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण और उनकी डिनेस्टी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होनी है। पहले तो निश्चय चाहिए, बाबा बस अब हम तो आपकी ही श्रीमत पर चलेंगे। तुम बच्चों की तकदीर जग रही है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। और सबकी तकदीर सोई हुई है, बहुत दुखी है। आदि सनातन भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। तमो प्रधान पतित बन गए हैं। पतित पावन परमात्मा को कहा जाता है। स्वर्ग में तो सबकी ज्योति जगी रहती है, दीपमाला कहते हैं ना। अभी तो उझाई हुई माला है। बाप कहते ये मेरी आत्माओं की माला है। पहले आत्माओं की माला बनाता हो, फिर पहले आत्माओं की माला बनाता हो, फिर पहले है माला में बताओ, पहले कौन सी माला और सेकंड कौन सी माला, जनरली जो बाबा कहते हैं। बोलो कौन बोलता हैगा? ब्राह्मणों की माला। पहले 8 आत्माओं की माला है। फर्स्ट माला पहले बताओ, 8 माला कौन सी? 8 आत्माओं की माला। चलो ऑफलाइन राइट है, ऑनलाइन किसका राइट है? जो पुराने हैं वो तो चलो पता ही है। पहले कौन सी माला है, सेकंड कौन सी माला बनाते हो? 8 फर्स्ट माला है, 8 आत्माओं की। पहले रुद्र माला तो 8 माला रुद्र माला, वैजयंती माला, विष्णु माला। दूसरे है पहले कौन सी माला है? अभी बाबा ने आंसर दिया, ये तो हम वापस पूछ रहे हैं। क्या हो गया राजू बहन, सब कंफ्यूज हो गए? आत्माओं की माला पहले है, रुद्र माला पहले आत्माओं की माला, और फिर है
देवात्माओं की माला, विष्णु की माला वैजयंती। तो फिर मतलब बाद में सत्युग की, तो शिव बाबा बनाते हैं तो पहले आत्माओं की माला बनाता हूँ, फिर विष्णु की माला बनाता हूँ। शिव बाबा बनाते ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा। अच्छा, तीसरा ब्राह्मणों की माला बनाते हैं, कौन कहता है हाँ बनाते हैं ब्राह्मणों की माला, हाथ उठाओ। नहीं बनाते, लेकिन फर्स्ट बनाते आखिरी बनाता है। अच्छा, मीनाक्षी बन बोल रहे, आखिरी बनाता है ब्राह्मणों की माला। हाँ, ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि कभी क्लास फुल, कभी क्लास नीचे, कम, कभी आगे पीछे फुल। क्योंकि ब्राह्मणों की माला क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि कभी आसमान पर चढ़ते रहते, कभी नीचे गिरते रहते। निश्चय बुद्धि से बदल संशय बुद्धि बन पड़ते। आज पक्के ब्राह्मण है औरों को आप समान बनाते, कल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती, तुम पुरुषार्थ करते हो, रुद्र माला बनेंगे, इसलिए योग लगाना है। योग पूरा होगा तो बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होगा, तो धारणा भी होगी। एक्चुअली योग हमने ये देखा, जैसे जैसे योग सबका अनुभव होगा कि बहुत शक्तिशाली बनता जाता है ना, ऑटोमेटिक धारणाएं होगी, ऑटोमेटिक दिल नहीं करेगा ये खाए पिए ये बातें करे, ऑटोमेटिक अगर अनुभव हो रहा है जो रेगुलर ये कर रहे हैं, आधा घंटा का भी सीरियसली अमृत वेला करते हैं, शाम का भी करते हैं, जिसका योग अच्छा होगा ना, ऑटोमेटिक संस्कार परिवर्तन। बाप को याद करने से तुम वर्षा लेते हो, तुम्हारी आंख वर्षे में चली जाती है, लौकिक बाप के बच्चों को की भी वर्षे में नजर रहती है ना। कोई कोई बच्चे कहते हैं ये बूढ़ा कब मरेगा तो हमको मिल्कियत मिलेगी, वो लास्ट वो वहां साइन कराते रहते, इधर आईसीयू में है सचिन भाई, कई बार कहते हैं ऐसे कितने केसेस हुए, आईसीयू में है और वो साइन कराते, और उनको जब बोले कि अभी तो मत करो और फिर थोड़ा न्यूज देते इम्प्रूवमेंट हो गई तो पूरा चेहरा ही डाउन हो जाता है। कैसी आत्मा है, इसलिए बाबा कहते पहले से नष्ट मुआ बनो, ये आत्मा है। कोई कोई बच्चे कहते हैं तो कोई कोई बाप ऐसे मनहूस होते हैं, कोई कोई तो बच्चे है, कोई कोई बाप ऐसे मनहूस होते हैं जो बच्चों को कुछ देते ही नहीं है, स्त्री को घर खर्च भी नहीं देते। बाप कहते हैं मूल बात है, बाबा कुछ कुछ बात कहाँ कहाँ की न्यूज बताता है, वर्ल्ड की न्यूज। बाप कहते हैं मूल बात है निश्चय बुद्धि बनो, तुमने विचित्र का हाथ पकड़ लिया है, इस चित्र द्वारा कहते मुझे याद करो, तुम्हारी जिन जैसी बुद्धि होनी चाहिए। शिव बाबा परमधाम में रहते, अभी शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे, घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना पड़े। अभी तुम यहाँ बैठे हो, वही कहते मामे कम याद करो तो तुम मेरी माला का दाना बन जाएंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। शास्त्रों में कोई यह लिखा हुआ नहीं है कि जगत अम्बा ब्राह्मण थी, यह बाप ही समझाते हैं, परंतु माया भी बड़ी तीखी है। निश्चय होते होते माया फिर संशय में ला देती है, फिर श्रीमत लेने के लिए बुद्धि चलती नहीं है, उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर, प्रजा में भी कम पद, मतलब चढ़कर जो स्टॉप कर दिया तो, और उस समय जब स्पीड बहुत अच्छी बढ़ने वाली है, अब जो बचा समय है, अब कितनी ब्राह्मण आत्मा और जो है एग्जिस्टिंग वो कितनी फास्ट चल रही है, हमारा कितना पुरुषार्थ भी अच्छा और कितने समय से चल रहा है, ऐसे समय में कोई छोड़ के जाए पहले से चल रहा हो तो उसका तो पूरा रुक गया ना, स्पीड वैसे पहले कम थी,
तो इसलिए बाबा कहते हैं, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तुम हो लकी ज्ञान सितारे, तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते हैं, खबरदार रहना, विकार में नहीं जाना। तुम्हारा धंधा है पतित को पावन बनाने का, कोई को भी दुख मत दो, सदा सुखी बनाना है। बाप बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं, फिर भी बुजुर्ग है। इनकी आत्मा को भी बच्चा कहेंगे, ये आत्मा भी उनको बाप कहती है। तो कदम कदम बच्चे श्रीमत पर चलना है। सेंटर सब शिव बाबा के है, किसी मनुष्य के नहीं है। बाबा ही चला सकता है, एक्चुअली बाबा के घर को बाबा ही चला सकता है। हम तो क्या बोलते हैं उसको, पहरेदार है, टेक नहीं, वो केयर टेकर होते हैं ना, केयर टेकर है, बाबा चलाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा, सेंटर सब शिव बाबा के, किसी मनुष्य के नहीं। तो देखो अकेली अकेली बहने रहती है कहाँ, आजकल के माहौल में कितना कुछ है, साउथ अफ्रीका में जहाँ इतना। तो शिव बाबा इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। पहला पॉइंट है, बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन दो, भोजन दे शक्तिशाली बनाना है। बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन दे शक्तिशाली बनाना है। योग से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बनाना है। योग से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बन बनाना है। दूसरा है, हमने विचित्र बाप का हाथ पकड़ा है। इस निश्चय घड़ी घड़ी बाप को याद करना है, कोई को भी दुख नहीं देना है। इनका किसका चल रहा है, अच्छा वरदान है, रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव, सॉरी वो नहीं है, मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ, यदि ये रियलाइज कर ले तो शांति स्वधर्म हो जाए। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, ये रियलाइजेशन निर्बल से शक्तिशाली बना देती है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वो प्रैक्टिकल कर सकती है। स्लोगन मतलब जितनी रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन कि मैं कौन हूं, तो ये शक्तिशाली बना देती है।
स्लोगन है जो मनसा महादानी है वह कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। अच्छा पहला पॉइंट 17वां पॉइंट है, जो अपने स्वमान में रहता है उसे हद का मान प्राप्त करने की कभी इच्छा नहीं होती है, वे इच्छा मात्र अविद्या हो जाते हैं, एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती है, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाते, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। बहुत अच्छा है, इसका आज हम समझेंगे स्वमान कितना बड़ा इम्पोर्टेंट ये है।